तो क्या हाल चाल भाई लोग, कैसे हो आप लोग? और आज इस वीडियो के अंदर हम सब बातें करने वाले हैं, जी हाँ दोस्त, सोनी H2 के बारे में, जिसे अभी रिसेंटली में जापान के अंदर ऑफिशियली अनवील किया गया है। और भाई मुझे नहीं पता कि कभी ये फोन इंडिया के अंदर लॉन्च भी किया जाएगा या फिर नहीं, लेकिन जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो भाई, काफी एक लो सेगमेंट का, बजट सेगमेंट का बेसिकली ये फोन होने वाला है। लेकिन इस फोन के साथ भी आपको बताना चाहूंगा कुछ अपनी खास बातें हैं जिनके बारे में मेरे ख्याल से आप लोगों को एक बार जरूर जानना चाहिए। तो आओ यार फिर स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकवास की जल्दी से इस वीडियो को। मैं और ऋषभ, और आप लोग देख रहे हो ऋषभ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्त, आओ सबसे पहले बातें ही कर लेते हैं इस फोन के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, और यहाँ पे मैं बातें कर रहा हूँ प्राइसिंग के बारे में। अब जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, जापान के अंदर दोस्त सोनी एक्सपीरिया H2 को बेसिकली लॉन्च किया गया है लगभग 14,500 रुपए के आसपास के प्राइस पॉइंट पे, अगर मैं कन्वर्ट करके बताऊं तो। और अब बातें कर लेते हैं फाइनली कि इस प्राइस पॉइंट पे ये फोन आपको फीचर क्या सारी चीजें कर रहा है। मतलब हाँ दोस्त, 2021 में सोनी वाले इस फोन के साथ हमें 2019 का हीलियो P35 का सपोर्ट दे रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से काफी बेकार SoC है। आप लोग जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन के सामने बेंचमार्क्स को भी देख पा रहे हो, और मुझे नहीं लगता आप लोग किसी भी तरीके से इस फोन के साथ कोई अच्छी खासी लेवल की गेमिंग वगैरह कर भी पाओगे। तो हाँ भाई देखो, एक बात तो यहाँ पे 100% क्लियर है कि इस फोन के साथ आपको परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार देखने को मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, एक जो नई चीज है इस फोन के साथ वो यहाँ पे ये है कि ये सोनी के ट्रेडिशनल डिजाइन से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इस फोन के साथ आपको एक वाटर ड्रॉपलेट वाली नॉच का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसे देख के पर्सनली मैं काफी खुश हुआ, क्योंकि सोनी वाले कम से कम डिजाइन के मामले में कुछ तो अलग कर रहे हैं इस फोन के साथ ही। लेकिन हाँ, इस फोन के साथ सबसे पहले आपको 5.5 इंचेस की एक HD+ वाली स्क्रीन देखने को मिल जाती है, और इस डिस्प्ले से मुझे दिक्कत क्यों नहीं है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इस वजह से ये बेसिकली एक कॉम्पैक्ट सा फोन हो जाता है। और अब दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फोन के साथ सिर्फ HD+ रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन होने के बावजूद मुझे इस फोन के साथ कोई दिक्कत क्यों नहीं है। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, और मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे जो स्क्रीन साइज है वो यहाँ पे ज्यादा बड़ी नहीं है, और इसकी वजह से यहाँ पे जो HD+ वाली स्क्रीन भी जो है वहाँ पे आपको पिक्सल डेंसिटी काफी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। भाई ये सिर्फ HD+ वाली बात इस फोन के साथ होना कोई बड़ा इशू नहीं है इस फोन के साथ मेरे ख्याल में। बाकी एक अच्छी जो चीज है इस फोन के साथ वो यहाँ पे ये है कि इस फोन के साथ आपको 4500 mAh की बड़ी बैटरी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि फोन के साथ वैसे और बड़ी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इस फोन के साथ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया डिस्प्ले साइज काफी छोटी है, और इस वजह से इस फोन का जो पावर कंजम्पशन होने वाला है डिस्प्ले चलाते टाइम वो काफी कम होने वाला है, और ओवरऑल यहाँ पे जो बैटरी की लाइफ है वो काफी ज्यादा होने वाली है। बाकी जो चार्जर भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है वो भी स्टैंडर्ड सा ही होगा। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि सोनी वालों ने इस फोन के साथ ऑडियो जैक का सपोर्ट दिया है। और वैसे इससे भी एक और काफी कमाल की बात बताता हूँ मैं आप लोगों को इस फोन के बारे में। जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो भाई, बजट सेगमेंट का फोन होने के बावजूद इस फोन के साथ सोनी वाले आपको IP सर्टिफिकेशन का सपोर्ट दे रहे हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से इस प्राइस पॉइंट पे मिलने वाला कोई दूसरा फोन आपको नहीं दे रहा है। तो अगेन ये काफी यूनिक बात है इस फोन के बारे में, और भाई सच बता रहा हूँ पर्सनली मेरे ख्याल से यही एक बात होने वाली है जो कि इस फोन को काफी अच्छी खासी सेल्स दिखाने वाले हैं। बाकी मेरे ख्याल से यार कोई दूसरा तो फोन है नहीं मार्केट में जो कि सोनी के ब्रांड वैल्यू के साथ आता है, ऊपर से आपको वाटर सर्टिफिकेशन का भी यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या ख्याल है इस फोन के बारे में। भाई सारी चीजें आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है। और चलो फिर मैं मिलता आप लोगों से किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।